हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बीट्स फॉर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो एवरीवन। हेलो नाज, समीक्षा, कुणाल, अभिनवा, रोहू, सुलभ, चलो भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज का जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी में टोटल इसके दो चैप्टर हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो चैप्टर्स आते हैं इसमें, एक एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 11 है और एक एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 12 है ना। टोटल दो चैप्टर यहाँ पे पूछे जाते हैं यहाँ से। दोनों चैप्टर की अगर वेटेज की बात करें तो करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से बनता है। दोनों को अगर मिला देते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कर कर तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स निकाले हैं इस चैप्टर से कि लास्ट के नीट के करीब करीब 15 दिन के आसपास बचे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में इन्हीं पॉइंट्स पे ज्यादा काम अगर करेंगे तो हमारे आराम से वो 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि जब बायोटेक तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें लगेगा ये तो कोई काम का है नहीं, तो जो काम का चीज है हमें उसी पे फोकस करना है आज। तुम्हें लग सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी दो चैप्टर्स इतने कम में कैसे समराइज हो चुकी है, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स में टच कर चुका हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो फोकस अभी हमें इस पे करना है, और इसके अलावा फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तुम, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वो साइड बाय साइड तुम्हें काम करना है, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। तुम आ सकते हो, वैसे पूरा फोकस यहीं पे बनाए रखना है, ठीक है। सबसे पहले कुछ मैं जनरल बातें तुमको बता दूं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल एरेकी। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं मैं, तो क्या इसमें हम ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं या उनके कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंसानों के लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे हमने अभी तक बहुत कुछ बनाया है, एंटीबायोटिक बनाया है हमने, इंसुलिन बनाया है, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट मेडिसिंस बनाए हैं हमने जो बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए काफी काम आती है। बायोटेक्नोलॉजी की टोटल दो ब्रांचेस हैं, एक है ओल्ड बायोटेक और एक है न्यू बायोटेक। अगर मैं दूध से दही जमाने की बात करूं ये ओल्ड बायोटेक है, लेकिन मैं अगर इंसुलिन बनाता हूं, मैं अगर ह्यूमलिन बनाता हूं, तो ये नए बायोटेक की कहानी यहां पर होती है, ठीक है। अब एग्जामिनर के माइंड में क्या चलता है, वो कहां कहां से क्वेश्चंस बनाता है, तो एक एक करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन आता है इंजाइम से रिलेटेड। सबसे फेमस इंजाइम है आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड वो बातें करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए यहां पर, देखना जरा। पहले तो अपनी अटेंडेंस लगा दो, वहां पे लाइक बटन है जल्दी से दबाओ और अपनी अटेंडेंस बिल्कुल दर्ज करो वहां पे, ठीक है भाई। फोकस करना पूरा, आराम से सुनोगे तो 1 से 1.5 घंटे की पूरी कहानी है, बस ध्यान से सुनना है तुम्हें। एक भी पॉइंट फालतू बकवास नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल काम के पॉइंट यहां पे है। सुनो, सबसे पहले अगर तुम बैक्टीरिया से चीजों को निकालना चाहते हो या तुम बैक्टीरिया पे तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल तो डिसॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। तो एग्जाम में तुमसे ये पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करना है तो कौन सी लाइटिक एंजाइम चाहिए होगी, तो बोलेंगे लाइसोजाइम चाहिए। क्या चाहिए होगी हमें, तो लाइसोजाइम यहां पे चाहिए हमें। लेकिन अगर प्लांट की सेल वॉल को डिसॉल्व करना है तो बोलो क्या चाहिए, सेलुलेज। अगर प्लांट की सेल वॉल को करना है तो सेलुलेज चाहिए होगा। आगे सुनो, अगर मानकर चलो एल्गी के सेल वॉल को डिसॉल्व करना है, या प्लांट में ही हम सेलुलेज का इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में पेक्टिनेज का भी इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि तुम्हें पता है प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन एग्जाम में हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या जाएगा? सेलुलेज, और उसके बाद क्या जाएगा हमारा? पेक्टिनेज। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? आगे बढ़ो जरा। काइटिनेज किसके लिए? अगर फंगल सेल वॉल को तुम्हें डिसॉल्व करना है तो क्या चाहिए होगा? काइटिनेज। ये एंजाइम्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और है सिंपल चीज। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, प्लांट सेल वॉल को करना है डिसॉल्व सेलुलेज या पेक्टिनेज, और फंगल फंगस के लिए काइटिन, क्योंकि फंगस की सेल वॉल बनी किस चीज की है? काइटिन की। तो डिसॉल्व करने के लिए काइटिनेज यहां पे चाहिए होगा, ठीक है? ये तो लाइटिक एंजाइम थे। अगर सेल वॉल को तोड़ना है तो ये एंजाइम्स यहां पे काम में आते हैं। आगे बढ़ो जरा। अब अगली एंजाइम क्या है? क्लीविंग एंजाइम। सेल वॉल तो तोड़ चुके, अंदर में अब तुम्हें डीएनए मिल रही है। अब डीएनए की मॉलिक्यूल्स को अगर तुम्हें तोड़ना है तो अब कौन सी एंजाइम चाहिए? लाइटिक एंजाइम से काम चलेगा क्या? नहीं, लाइटिक एंजाइम का काम तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए होता है। अब मुझे तोड़ना है डीएनए को तो क्लीविंग एंजाइम से तोड़ूंगा मैं। क्लीविंग एंजाइम कितने टाइप का? दो, एक्सो और एंडो। बताओ आरी को किस में रखोगे? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नाम में छिपा है। अब अगर किसी भी डीएनए को मैं साइड से कट करूंगा वो एक्सोन्यूक्लियेज की बात आएगी। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। लेकिन अगर डीएनए के बीच में मुझे कट लगाना है मुझे आरई का इस्तेमाल करना होगा, मतलब इंडोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल करना होगा। इतनी बात क्लियर है? तो बताओ कितनी टाइप की क्लीविंग एंजाइम हो गई? दो टाइप की, एक तो एक्सोन्यूक्लियेज और एक इंडोन्यूक्लियेज। आरई किस में आएगा? इंडोन्यूक्लियेज में रख देना है तुम्हें आरई को, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ आगे। अब ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये 9 के 9 पॉइंट आरई के एग्जामों में क्वेश्चंस के रूप में आए हैं या आ सकते हैं। सबसे पहले तुमसे क्या पूछा जाएगा? चलो ठीक है, आरई जो है वो डीएनए को अंदर से कट करता है क्योंकि नाम है इंडोन्यूक्लियेज। तो बात आती है डीएनए के कौन से बॉन्ड को ये कट करने का काम करेगा? तो पीडीबी बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सा बॉन्ड? पीडीबी। क्या बोलते हैं इसे? पीडीबी को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको बोला जाएगा, ठीक है? ये पीडीबी को कट करने का काम करेगा, पहला पॉइंट। अब सुनो, ये कैसे तोड़ेगा? तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से तोड़ेगा। पानी के प्रेजेंस में जनरली एंजाइम्स काम करते हैं, तो ये पानी के प्रेजेंस में उसको तोड़ने का काम करेगा। अब वो साइट का तुमसे नाम पूछा जाता है जहां पे आरी काम करने वाला है। आरी ऐसा नहीं है किसी भी जगह से कट कर सकता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसका नाम क्या है? जल्दी बताओ, जिसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट, या एनसीईआरटी लिखती है रिकॉग्निशन साइट। तो आरी कहीं से भी कट कर देगा क्या? उसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए होंगे या रिकॉग्निशन साइट उसके लिए चाहिए होते हैं। ये हो गई बात। अब सुनो, ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट तुम्हें देखने को मिलते हैं ना, ये 4 या 6 या 8 बेस पेयर में तुमको देखने को मिलेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात मैं करूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है? जैसे अगर मैं हिंदी में लिखता हूं जहाज, चाहे तुम इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों का मतलब लगभग एक आएगा। अगर मैं लिखता हूं चम्मच, वे भी वैसे ही है। अगर मैं लिखता हूं हिंदी में पापा, वैसे ही है ना। अगर इंग्लिश में लिखता हूं डैड, ये सारे चीजों को पैलिंड्रोमिक कहा जाता है। तुमने मलयालम देखा होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट के पास कितने बेस पेयर की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिपीट हो सकती है? बोलेंगे 4 6 8। क्या बोलेंगे? 4 6 8। जैसे देखो ना, जी ए ए टी टी सी, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका मैं लिखूंगा क्या? सी टी टी ए ए जी। अब देखो ना, चाहे मैं इधर से पढ़ूं या इधर से पढ़ूं, बात बराबर आएगी। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो 4 6 या 8 बेस पेयर की होती हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। अब बात आती है कि ये जो एंजाइम है जिसे हम आरी कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, एक सेकंड यार, बारिश होने लगी क्या?
चल इधर देखो जरा। हाँ अरे कार ले रहा है कि नहीं, क्या कह रहे हो भाई, तुम फोकस तो करो यहाँ। ठीक है चलो इधर देखना जरा, तुम कहाँ कहाँ नजरें तुम डाल रहे हो, तुम तो अब फोकस करो तुम स्लाइड्स पे, इतने खूबसूरत स्लाइड्स हैं सारे, बिल्कुल काम के पॉइंट, एक भी पॉइंट बकवास नहीं है। ये पॉइंट अगर लास्ट में तुम पढ़ करके जाओगे खेल हो जाएगा बायोटेक से। हाँ अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है ये मिलता कहाँ है, बोलो क्या मार्केट में किराने की दुकान पे मिलेगा क्या? ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी आरी होती है। तो एक बात नहीं समझ में आती, जब आरी ऑलरेडी प्रेजेंट है बैक्टीरिया के ही पास, तो बैक्टीरिया के डीएनए को खुद कट क्यों नहीं करती? आरी का काम है चीजों को कट करना, तो बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट करती? क्योंकि बैक्टीरिया की जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, जहां से काटना था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को, वो प्रोसेस में मिथाइलेशन हो चुका है, मतलब मिथाइल ग्रुप के अटैच हो जाने से आरई उसको कभी काट नहीं पाता। एनसीईआरटी की लाइन है, आरई नेवर कट्स इट ओन बैक्टीरियल डीएनए बिकॉज द रेस्ट्रिक्शन साइट इज मॉडिफाइड बाई मिथाइलेशन। आगे बढ़ो जरा नेक्स्ट। जैसे हमारे बॉडी में WBC है, लिम्फोसाइट्स हैं, वो इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, है ना? लेकिन अगर हम बात करते हैं आरी की, तो आरी भी बिल्कुल वैसे ही डिफेंस सिस्टम का काम करती है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया में भी तो इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो आरी का उसके अंदर काम क्या है? डिफेंस सिस्टम में, कि कोई आए तो उसको आराम से निपटा देगा। ये तो ये वायरस वगैरह का होता है ना डर, बैक्टीरिया को डर किसका है? वायरस का। जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह का डर होता है कि बैक्टीरियोफेज कहीं हम पे अटैक ना कर दे, तो वो सब के लिए आरी उसके अंदर रखते हैं। आज तक 230 अलग अलग स्ट्रेन जो बैक्टीरिया की मिली है, उससे हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने तैयार कर लिया है। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से तैयार किया। ये 9 के 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है 8 नंबर वाला पॉइंट, जो अभी तक नीट में आया नहीं है, ध्यान रखना ये 8 नंबर वाला। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज। अब ये चीजों को कट करेगा तो दो तरह की इंड प्रोड्यूस होती है, एक का नाम है स्टिकी इंड, एक का नाम है ब्लंट इंड। स्टिकी इंड में कौन सा आरी काम में आएगा? तो याद रखेंगे ECO-R1। ऐसी ब्लंट इंड में SAM-1, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाली एनसीईआरटी में है। जैसे देखो ना, GAA-TTC, CTTAAG, क्या मैं कह दूं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? अगर कट करना है यहीं पे से कट करना पड़ेगा, इसलिए तुम देख सकते हो यहां पे से कट किया गया, तो देखो जी इधर आ गया, AATTC इधर आ गया, CTTAA इधर आ गया, जी इधर आ गया। तो ऐसे इंड को बोला जाता है स्टिकी इंड। अब और कोई भी यहां पर आकर अटैच हो सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टिकी इंड, फ्री इंड बोला जाता है। अब ये ब्लंट इंड की अगर मैं बात करूं, ये बीच से ही सेपरेट हो गया यहां से, अगर यहां से सेपरेट हो गया तो यहां पर ब्लंट इंड मिलता है, कोई आकर अटैच यहां हो नहीं सकता। तो यहां पर दो कटिंग याद रखनी है, एक तो स्टिकी इंड और एक ब्लंट इंड। स्टिकी इंड का एग्जाम्पल बड़ा फेमस है और इसका सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है, GAA-TTC, CTTAAG, उसी का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां पे हो जाएगा ये। तो ये आरी दो तरह के कट यहां पर प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान हमें रखना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये नॉमेनक्लेचर की बात एनसीईआरटी करती है, जैसे मैंने अभी लिखा ECO-R1, ये एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का नाम है जो ब्लंट इंड प्रोड्यूस करता है या फ्री इंड प्रोड्यूस करता है। काम की बात, किसी भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज की मतलब है तो वो एंजाइम ही, उस एंजाइम का जो पहला लेटर होता है मतलब ये वाला, वो बैक्टीरिया की जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसरीचिया कोलाई, उसमें इसरीचिया क्या है? जीनस ही तो है। सेकेंड और थर्ड लेटर मतलब सी और ओ, ये स्पीसीज को बता रहा है। तो मैंने लिखा मानकर चलो इसरीचिया कोलाई। तो कभी भी किसी भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का पहला लेटर हमेशा क्या हो जाएगा? जीनस। और सेकेंड और थर्ड लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। और फोर्थ लेटर जो है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा बैक्टीरिया का स्ट्रेन, ये वाला आर जो है।
और बाकी जो रोमन न्यूमेरिकल लिखते हो ना यहां पर, वो डिटरमाइन करेगा कि किस ऑर्डर में डिस्कवरी यहां पे हुई है, बैक्टीरिया से किस ऑर्डर में निकाला है। वन लगा सकते हो, टू लगा सकते हो, जैसे पहला जो डिस्कवर था उसका नाम था ना हिंद टू, तो टू मतलब वो सेकेंड ऑर्डर में वहां से निकाला गया है बैक्टीरिया में से वो एंजाइम। ये नॉमेनक्लेचर में बस ये चार पॉइंट काम के हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए, ये वही डीएनए होगा जिस पे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठाने का काम करेंगे, जिस पे अपने डिजायर्ड जीन को बैठाने का काम करेंगे। किसी भी वेक्टर में कुछ हो ना हो, ये कुछ फीचर्स जरूर होने चाहिए। अगर किसी वेक्टर में ओरिसाइट नहीं है, वो वेक्टर किसी काम का नहीं है। अब देखो, ओरिसाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द सेल। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन को अगर हम डालना चाहते हैं वेक्टर डीएनए में, तो वहां पर वेक्टर डीएनए में जैसे इस तरीके से मान के चलो, तो वेक्टर डीएनए है यहां पर, कट कर कर यहां पर आराम से सेट कर दिया, ये देखो इस तरीके से। तो वेक्टर किसी व्हीकल पे हमने डिजायर्ड जीन को बैठा दिया, सिंपल सी बात, उसमें ओरी साइट तो होनी चाहिए। अब एक चीज देखो जरा, सिलेक्टेबल मार्कर, वहां पर ना ये पता लगाने वाली चीज होनी चाहिए कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये सब बातें यहां पे पता लगाने वाला होना चाहिए। मतलब सिलेक्टेबल मार्कर यही पता लगाता है कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये सब बातें। दो तरीके की रेसिस्टेंस जीन होती है प्रेजेंट बैक्टीरिया में, एक होता है एम्पिसलिन रेसिस्टेंट जीन और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। अब बताओ, अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन जीन को हटाकर कोई और जीन वहां पे सेट कर दिया, तो क्या वो चीज तो इनएक्टिव हो जाएगी? इसी चीज को आगे चलकर हम बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कोई भी तुम रेसिस्टेंट जीन को हटाकर वहां पर ये काम कर सकते हो। वेक्टर का वो जगह जहां पे डिजायर्ड जीन को तुम लगाओगे, उस जगह को हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट। क्या नाम रखेंगे? क्लोनिंग साइट। सिंपल सी बात याद रखनी है, वेक्टर का वो जगह जहां पे तुमने डिजायर्ड जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को तुमने लगाया, हम उस चीज को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट बोला जाता है। ठीक है, ये फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा इनमें कौन सा फीचर नहीं है, पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए, जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में हैं। एक तो PBR 322, ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो उसी का है। यहां पे टीआई प्लाज्मिड याद रखना है, अगर डाइकोट प्लांट में तुमको जीन का ट्रांसफर करना है तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कौन सी प्लाज्मिड है, तो बोलेंगे टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट, अगर एनिमल्स में करना है तो रेट्रोवायरस, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे कि कौन सी चीज, कौन सी वेक्टर किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो टीआई प्लाज्मिड डाइकोट प्लांट के लिए, रेट्रोवायरस एनिमल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखो जरा, यहां पर ये एक प्लाज्मिड है PBR 322, ये एक वेक्टर का टाइप है। इसमें दो टाइप की जीन तुम देख रहे हो जो पिंक कलर से यहां पे दिखाया गया है, एक है एम्पिसलिन रेसिस्टेंट जीन, एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। ऐसी कई जगह पे यहां पर देखोगे ऑलरेडी जीन यहां पर प्रेजेंट है, तो इनका ना लोकेशन तुम्हें जरूर याद रखना है कि इनका लोकेशन कहां पर क्या होता है। ठीक है, तो इनका लोकेशन तुमसे पूछा जाएगा, तो पहले तो इसको याद रख लो, PVU1 PVU2, इस तरीके से जो साथ साथ वाले हैं ना उनको एक साथ याद करो। जैसे सबसे खास EcoR1 तो याद कर ही लो, EcoR1 कहां पे होता है। ठीक है, और BAMH1 इसी के साथ रिलेटेड है, देखो यहां पे, और एम्पिसलिन के साथ कौन कौन रिलेटेड है याद रख लो। ठीक है, ये डायग्राम को दो तीन बार तुम प्रैक्टिस करोगे ना, ये खुद ही याद हो जाएगा तुम्हें। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। अब यहां पर सुनो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो चलती है हमारी, उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिए। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले सेल वॉल तोड़ोगे। ठीक है, सेल वॉल तोड़ने के लिए सब एंजाइम प्रेजेंट है जो अभी हमने देखा था। अब क्या डालोगे? चिल्ड इथानॉल डालोगे। चिल्ड इथानॉल जब तुम डालोगे तो डीएनए पूरी तरीके से वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर आराम से एक चम्मच जैसी चीज से निकाल लोगे। उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं कि जब डीएनए आराम से प्रेसिपिटेट कर जाएगा तो आराम से वहां से निकाल लोगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्पूलिंग वाला प्रोसेस याद रखना। जिस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये स्पूलिंग यहां पर इंपॉर्टेंट है कि डीएनए को तुम आराम से यहां पर ले सकते हो, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी प्रेसिपिटेट हो चुका है। तो उसके लिए क्या चाहिए? चिल्ड इथेनॉल, नीट का क्वेश्चन है।
क्या डालना होगा? तो चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो आराम से डीएनए प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाती है। अब देखो, डीएनए को टुकड़े टुकड़े में किया जाएगा आरई की मदद से। जब टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो बताओ सेपरेट भी तो करना होगा। मैंने हाल ही में स्पेशल क्लास में टॉपिक लिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बताया था इसको पूरी डिटेल में कि कैसे क्या होता है। यहां पे लार्जेस्ट है, यहां पे स्मॉलेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, जो छोटे होंगे वो बहुत दूर चले जाएंगे, जो बड़े होंगे वो वहीं पे रहेंगे। देखो ना, जो छोटे थे वो बहुत दूर चले गए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा तरीका है जिससे तुम डीएनए को मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे आराम से सेपरेट कर सकते हो। अब काम की बात, पूछेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी स्टेन का इस्तेमाल होता है? बोलेंगे इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर। कौन सी लाइट का इस्तेमाल होता है? यूवी लाइट। कौन सा कलर देखने को मिलेगा? तो बोलेंगे ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। अब इस जेल में से सारे डीएनए को निकालोगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? तो बोल रही है एनसीईआरटी, इसको इल्यूशन बोलेंगे। ये सब फेमस क्वेश्चन है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बनते हैं, ठीक है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो ये सब आते रहते हैं एग्जाम में, रिपीट होते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें। नेक्स्ट, अब यहां पर सुनो, पीसीआर। अब बात आती है कि चलो ठीक है, डीएनए हमें मिल गया। अब मान लिया डीएनए बहुत कम अमाउंट में मिला है, तो पीसीआर एक ऐसा स्टेप है, पीसीआर एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कैरी म्यूलिस ने डिस्कवर किया था। तो इससे ना तुम जीन की बिलियन कॉपी तैयार कर सकते हो। तुम्हारे पास डीएनए बहुत कम है, इसकी तुम बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकते हो। अब यहां पर सबसे काम का क्वेश्चन है ना कि वो कौन सा एंजाइम तुम लोगे जिससे कि तुम डीएनए की चेन तैयार कर पाओ। तो उसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? टैक पॉलीमरेज। अब काम की बात, टैक पॉलीमरेज जो है, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस नाम की एक बैक्टीरिया होती है, वहीं से ये एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। मतलब तो सारी खास बातें बस लिखी हुई है निकालकर, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितने स्टेप में किया जाता है? तीन स्टेप में। देखो, सबसे पहले एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया गया, ठीक है? अब पता लगा इसका अमाउंट बड़ा कम है, इसकी कई सारी कॉपीज तैयार करनी है। तो देखो, पहले एक कॉपी था, लास्ट में देखो दो कॉपी हो गया। बीच में टैग पॉलीमरेज डाला डीएनए पॉलीमरेज के साथ, डीएनए पॉलीमरेज में मतलब टैग पॉलीमरेज डाला और कई सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ले लिया। प्राइमर क्यों लगाते हैं तुमको पता होगा, क्योंकि अगर कभी भी प्रोसेस स्टार्ट करना है बिना प्राइमर का तो स्टार्ट नहीं हो सकता। हमने रेप्लिकेशन में ये बातें देखी थी। अब ये तीन स्टेप से होकर गुजरता है, पहला डी नेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। ये तीन प्रोसेस याद रखनी है तुम्हें सीक्वेंस में, डी नेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डी नेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे, एनिलिंग 54 डिग्री सेल्सियस और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट तुम्हें टेम्परेचर भी याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से देखो, आराम से दो कॉपीज यहां पर तैयार हो चुकी है। तो ये पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, पीसीआर क्यों इस्तेमाल करते? अगर जीन को हमें एम्पलीफाई करना है तो आराम से पीसीआर का इस्तेमाल कर लो। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करोगे? तो टैग पॉलीमरेज। कौन सी बैक्टीरिया से? थर्मस एक्वेटिकस से। कितने स्टेप है? तीन। अरेंज करो सीक्वेंस में डीनेचुरेशन, एलिलिंग और एक्सटेंशन, और बाकी टेम्परेचर तो तुम्हें याद रखना है। अब देखो, किसी वेक्टर में तुम डीएनए की फ्रैगमेंट को डालोगे, किसी वेक्टर में तुम डिजायर्ड जीन को डालने का काम करोगे, ठीक है? यही काम करना है, डिजायर्ड जीन में आराम से तुमको डाल देना है, डिजायर्ड जीन को किसी भी वेक्टर में। अब वहां पर जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम डालोगे? तो डीएनए लाइगेज। अब देखो, जैसे मान लिया कि ये वेक्टर तुम्हारी तैयार है और वेक्टर में तुमने यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तुमने यहां पर डाल दिया। अब तुम्हें ये इसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी होगी ना, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए तुमको इसको किसमें डालना पड़ेगा? होस्ट में। अगर वो होस्ट प्लांट है, अगर वो होस्ट एनिमल है, तो सब में ले जाने का तरीका अलग अलग होता है। तो टोटल जीन के ट्रांसफर के कितने मेथड हैं? दो। एक है इनडायरेक्ट मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो वेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। अभी हमने टीआई प्लाज्मिड की बात की थी, रेट्रोवायरस की बात की थी हमने, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? वेक्टरलेस, वेक्टर की जरूरत नहीं होती जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी होस्ट में। अब देखो, यहां पर पहला कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, तुम्हें कुछ मेन पॉइंट पहले बता रखा है। अब सुनो,
इनडायरेक्ट मेथड। अगर मुझे जीन को ट्रांसफर करना है किसी बैक्टीरियल सेल में, तो वहां पर हीट शॉक ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट डायरेक्ट याद रखना, और वहां पर क्या डालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। तो सेल कंपिटेंट होना चाहिए, एरेग एरेग किसी भी बैक्टीरियल सेल में नहीं डाल सकते। पावर होनी चाहिए सेल के पास कि मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सके। अगर जीन को तुमको ट्रांसफर करना है किसी प्लांट सेल में, पूछेगा कौन सी बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ये बैक्टीरिया में कौन सी प्लाज्मिड होती है, तो बोलेंगे टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है? टीआई प्लाज्मिड, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीआई प्लाज्मिड नाम। टीआई प्लाज्मिड के कारण डाइकॉट प्लांट में कौन सी बीमारी होती है? क्रॉनगॉल, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, क्रॉनगॉल नाम है यहां पर, याद रखना। डाइकॉट प्लांट में ये डिजीज काउज करता है। अब देखो टीआई प्लाज्मिड का जब तुम डायग्राम देखते हो ना, उसमें एक टीडीएनए होती है, तो टीडीएनए के कारण ही इसमें प्रॉब्लम होता है, बीमारियां वगैरह। तो टीडीएनए को यहां से सेपरेट कर लेते हैं और आराम से तुम इसमें किसी भी जो जीन ट्रांसफर करना है तुम आराम से जीन ट्रांसफर कर दो। और एनिमल के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रेट्रोवायरस। मेरे सवालों का जवाब जल्दी जल्दी देना। बैक्टीरियल सेल्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट? हीट शॉक ट्रीटमेंट। प्लांट सेल के लिए कौन सी प्लाज्मिड? टी आई प्लाज्मिड। एनिमल सेल के लिए कौन सा वेक्टर? रेट्रोवायरस। टी आई प्लाज्मिड कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। टी आई प्लाज्मिड के कारण कौन सी बीमारी होगी? क्रॉनगॉल। टी आई प्लाज्मिड में से क्या चीज सेपरेट कर दें तो सारा मामला सही हो जाएगा? टीडीएनए। ये ध्यान रखना है हमें। ये डायरेक्ट सब इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में अगर बात करें, वेक्टर्स का सहारा हम लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के बाद हम लोग किसमें आते हैं? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड तो टोटल कितने हैं? दो, माइक्रो इंजेक्शन और पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक गन मेथड इसको बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एनिमल्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सा डायरेक्ट मेथड है, तो बोलेंगे माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट कौन है, तो बोलेंगे पार्टिकल गन, जिसमें वहां पर कोटिंग कर दी जाती है, गोल्ड टंगस्टन तुम्हें मालूम होगा, कोटिंग करकर आराम से फिर ये डाल देते हैं। तो प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, एनिमल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलो, अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देखो गौर से। पहले से ऑलरेडी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। अब तुमने किसी जीन को इंसर्ट कर दिया, मान लिया यहां पर जीन इंसर्ट कर दिया, क्या टेट्रासाइक्लिन काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। इसका मतलब अब तुम बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन दोगे, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाली पावर ही नहीं है। एग्जाम में तुमसे यह पूछा जाएगा कि अगर पहले से कोई जीन था, उसके जगह पर हमने कोई जीन इंसर्ट कर दिया, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब देखना गौर से, अब यहां पर एम्पिसिलिन रखा है इस मीडियम में, क्या आराम से रेसिस्टेंट होगा, क्योंकि एम्पिसिलिन भी है टेट्रासाइक्लिन भी है। अगर इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन रखोगे तो बैक्टीरिया की मौत होने लगेगी। क्यों मौत होने लगेगी टेट्रासाइक्लिन डालने पर? टेट्रासाइक्लिन तो पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गया किसी दूसरे जीन को डालने से यहां पर। तो इस तरीके से आराम से कोई रिकॉम्बिनेंट को खोज सकते हो तुम। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई और भी जीन इसमें डाल दिया गया तो एक रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन यहां पे हो चुका है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट के लिए करते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट के लिए करते हैं। ये सब के लिए लंबे लंबे मेथड होते हैं, रेप्लिका प्लेट मेथड होता है, डबल रेप्लिका प्लेट मेथड होता है, उससे निकालते हैं। तुम तो ये टर्म याद रखो, टर्म बहुत ही खास है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में दो चीजें और दे रखी हैं कि एक ब्लू कलर कॉलोनी बना रहा है, एक व्हाइट कलर कॉलोनी बना रहा है। व्हाइट कलर की जो कॉलोनी बना रहा है वो कैसे सेल है, याद रखना है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये जो ब्लू कलर की कॉलोनी बना रहा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और यहीं पे एक एंजाइम का नाम याद रखना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये ध्यान रखना है। कलर वाला ना तुम्हें ध्यान रखना होगा ये, नहीं तो इसका मैकेनिज्म है आधे घंटे मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो डायरेक्ट तुम कलर वाली चीज याद रखो, व्हाइट से रिलेटेड रिकॉम्बिनेंट और ब्लू से रिलेटेड जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब सब कुछ काम हो गया, लास्ट स्टेप था हमारा, सब कुछ कर लिए तुम, सिलेक्शन कर लिए रिकॉम्बिनेंट सेल का।
अब तुम चाहते हो कि जो जीन प्रोडक्ट, जो भी चीज चाहते हो उसको लार्ज स्केल पे चाहते हो तुम, तो लार्ज स्केल के लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करना होगा। बायोरिएक्टर्स ये सब होते हैं, दोनों बायोरिएक्टर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बायोरिएक्टर्स के नाम याद रखने हैं कि क्या नाम है दोनों के, दोनों एनसीईआरटी में है, दोनों में क्या क्या चीज है, क्योंकि इस पर हम फोकस नहीं करते और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। पूछा जाएगा कि हम एसिड बेस को किसमें कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे पीएच कंट्रोल करना है तो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, किस में, तो बोलेंगे इस वाले बायोरिएक्टर में आराम से कर सकते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन को इंक्रीज करवाना है तो सबसे बेस्ट मेरे लिए होगा ये वाला बायोरिएक्टर, ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा बायोरिएक्टर का तो लगाएंगे स्पार्ड स्टेड टैंक बायोरिएक्टर, अगर पीएच वाले से रिलेटेड पूछेगा तो लगाएंगे फर्स्ट वाला, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट बायोरिएक्टर्स हैं, याद रखना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सारा काम हो गया, जो प्रोडक्ट चाहिए था वो तुम्हारे पास निकलकर आ गया, अब क्या स्टेप में लेकर चलोगे, तो पहला स्टेप सेपरेट करो, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसको निकाल लो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्या करो, प्यूरिफाई करो, और प्यूरिफाई करने के बाद क्या करना होगा, प्रिजर्वेटिव्स डालना होगा। क्या डालना होगा, प्रिजर्वेटिव्स, जैसे तुम्हारे पास कोई भी चीज आती है मार्केट से तो उसमें प्रिजर्वेटिव होती ही होती है, ठीक है। अब सुनो, तीन बातें तो यहां हैं, अब एक खास बात, अगर मान के चलो मुझे वैक्सीन तैयार करना है तो मुझे तीनों प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डाउन स्ट्रीम की जो प्रोसेसिंग की टेक्निक है, जो ये प्रोसेस है, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा। अगर मुझे वैक्सीन बनानी है तो सिर्फ ये तीनों से काम नहीं चल पाएगा, इसको टेस्टिंग भी करना होगा किसी ना किसी बॉडी पे, देखेंगे कि उसमें क्या रिएक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात यहां पर हो गई। क्वेश्चंस कहां कहां से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फाइनल, वो गौर से सुनना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से एक क्वेश्चन आता है, मतलब फोकस इस पे एग्जामिनर का होगा, यहां से लेबलिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन और एसिड बेस वाला, यहां से वो कलर से रिलेटेड पूछेगा, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टर्म बहुत जरूरी है, ये टेट्रासाइक्लिन वाला पूछेगा कि वहां पे डाल दिया तो कौन इनएक्टिव है, ये वाली चीज, ये डायरेक्ट सब याद रखना है, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन और इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये तो याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर के स्टेप्स, और पीसीआर में टैक पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्मस एक्वेटिकस, इससे तो क्वेश्चन आना है, ये तुम लिख कर ले लो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना। तो अब ये एंजाइम के नाम, और ये चिल्ड इथेनॉल वाला याद रखना, और स्पूलिंग वाली प्रोसेस याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। और ये तीनों के नाम मैंने अभी बताए हैं, कौन सा वेक्टर होता है, और ये फीचर्स याद रखना है कि किसी भी वेक्टर की क्या फीचर होनी चाहिए, नोमेनक्लेचर तो ध्यान ही रखता है तुमको, ठीक है, और बाकी ये ध्यान रखना, और ये सीक्वेंस याद रखना, GAA TTC वाला, और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिथाइलेशन, और बाकी 900, 230 ये सब तो ध्यान ही रखना तुम, ठीक है। और ये बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लाइसोजाइम वाला पॉइंट याद रखना कम से कम। तो ये है बायोटेक का जो पहला चैप्टर है उससे, मतलब मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इधर से ही बनते हैं। अब जो अगला चैप्टर है ना एप्लीकेशन वाला, वो काफी छोटा सा चैप्टर है। अब एप्लीकेशन उसमें बड़े सारे दे रखे हैं, और उसमें शुरुआत जो की गई है ना एप्लीकेशन की, वो एग्रीकल्चर से की गई है, ठीक है। अब यहां देखना जरा, आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है गोल्डन राइस पे, मतलब ये चैप्टर में डायरेक्ट एग्जामिनर का दिमाग जाएगा ना तो गोल्डन राइस पे जाएगा, और विटामिन ए, कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन ए। कौन सा चीज ट्रांसफर करते हैं, तो बीटा कैरोटीन जीन का ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये नेक्स्ट लेवल है अगर इसको पूछना चाहो तो, नहीं तो वो पूछेगा डायरेक्ट विटामिन ए गोल्डन राइस, 2-3 बार तो अभी तक यही आ चुका है। तो बायोटेक की मदद से हमें ऐसे फूड बनाने हैं जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी काफी हम इनहेंस कर सके, हमें ऐसे क्रॉप्स बनाने हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर सके, बाहर कड़ाके की ठंड हो पौधे को कुछ भी ना हो, बाहर सूखा पड़ रहा है पौधे को कुछ भी ना हो, बाहर सॉल्टी एरिया है हीट वेव चल रही है पौधे को कुछ भी ना हो। अब इसके बाद आगे
जैसे हमने जब फसलों की कटाई कर ली या खेतों में से सब्जियां हमने हटा ली हैं, काट ली हैं हमने, उसके बाद क्या होता है ना, जल्दी वो पक जाते हैं फ्रूट्स वगैरह। तो जैसे एक फ्लेवर सेवर टोमेटो तैयार किया गया जिसमें राइपनिंग को बहुत ही डिले कर दिया गया, कि मानकर चलो कि कोई टमाटर था वो पक जाता था 10 दिनों में, अब उसमें कर दी गई एफिशिएंसी कि 1 महीने का कर दिया गया कि 1 महीने के बाद टमाटर पकेंगे। तो ये सब सब बेनिफिट किसका है, ये सारा बेनिफिट है बायोटेक का। इसके बाद प्लांट्स है ना, वो मिनरल्स का इस्तेमाल ज्यादा कर नहीं पाता, तो हमें ऐसे प्लांट तैयार करने होंगे कि वो अच्छे से मिनरल को एब्जॉर्ब करे, एफिशिएंसी बढ़ जाए मिनरल यूज करने का, क्योंकि अगर कोई प्लांट अच्छे से मिनरल लेने लगेगा तो काम सही से चलेगा। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तुम जानते हो मिट्टी की फर्टिलिटी भी बड़ी जल्दी खराब हो जाती है या जल्दी खत्म हो जाती है मिट्टी की फर्टिलिटी। तो अगर कोई भी प्लांट अपने मिनरल्स का सही से इस्तेमाल करेगा तो सारी चीजें उसमें मेंटेन रहेंगे। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट होने चाहिए, जैसे मान कर चलो अनवांटेड हर्ब्स को तो हमने मार दिया, लेकिन उसके चलते जो काम की प्लांट है वो भी निपट जाते हैं। तो जैसे हर्बिसाइड जो डाला जाता है ना, उसमें केमिकल डाला जाता है ग्लाइफोसेट, याद रखना केमिकल का नाम। ये केमिकल डालने से प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो, तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और एक और चीज, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम लोगों ने किसका बनाया है प्रोडक्ट, हीरोडीन एंटीकोगुलेंट सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इन सीड्स ऑफ ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, ठीक है, ये एक प्लांट है ब्रासिका नेपस, यहां से हमने इनके सीड से क्या तैयार किया, हीरोडीन नाम का प्रोडक्ट हमने यहां पे तैयार किया, जिसका आज मेडिकल साइंस में काफी इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे हीरोडीन इंपॉर्टेंट है, यहां पे ग्लाइफोसेट इंपॉर्टेंट है, यहां पे फ्लेवर सेवर इंपॉर्टेंट है, और यहां पे गोल्डन राइस में विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स भी आ गए, उसमें क्या क्या है, अब ये पैराग्राफ बड़ा काम का है, बस इसको अच्छे से सुनो क्या क्या चीज यहां पर है। बीटी कॉटन सबसे पहले पूछा जाएगा, बीटी कॉटन में बीटी का नाम क्या है, तो बैसलस थुरिंजियेंसिस, ये नाम याद रखना है पहले। आगे सुनो, क्राइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्राइजीन को जब हम इसमें ट्रांसफर करते हैं तो ये कीड़ों को ऐसे ही मार देता है, मतलब जब कोई भी कीड़ा ऐसे प्लांट को खाएगा, जैसे बीटी कॉटन को अगर खाने का काम करेगा, तो वो जीन जो है वो एक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, जिसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्राई प्रोटीन। अब अगर जैसे कोई भी बीटी कॉटन को खाई, कोई भी इंसेक्ट खाई, अब ये क्राई जीन तो उसकी बॉडी में चला गया, अब वो क्राई प्रोटीन बनाना चालू कर दिया। अब यहां पे होता क्या है कि उसके जो मिडगट होती है ना इंसेक्ट का, उसमें टॉक्सिन काफी एक्टिवेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां का पीएच कैसा है, अल्कलाइन। अब उसी के चलते ना यहां पे जो उसकी मिडगट की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसको पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर देता है, होल हो जाते हैं पूरी तरीके से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि वो प्लांट कौन सा होता है, तो बोलेंगे बैसिलस थ्रिंजियेंसिस डाली जाती है, मतलब बीटी कॉटन वाली है, प्लांट का नाम बीटी कॉटन, बीटी का नाम बैसिलस थ्रिंजियेंसिस। अब यहां पर कौन सा जीन डाला, क्राइजीन, वो कौन सी प्रोटीन बनाएगी, क्रिस्टल प्रोटीन। इंसेक्ट का गट का पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन पीएच। फोरगट को डिस्ट्रॉय किया गया, मिडगट को या हाइंडगट को, मिडगट को, वहां टॉक्सिन एक्टिवेट हो गई और इंसेक्ट को मारने का काम कर रही है। इसके चलते इंसेक्ट के तीन ऑर्डर मारे जाते हैं, लेपिडोप्टेरन्स में कौन कौन है ये एग्जाम में पूछा जाएगा, टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। कोलियोप्टेरन्स की बात करें बीटल्स, डिप्टेरन्स की बात करें फ्लाइज और मॉस्किटोज, फ्लाइज और मॉस्किटोज ये डायरेक्ट तुमको याद रखना होगा, एनसीईआरटी ने दिया है ये, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे। और इसका क्या ही कहना, ये तो बहुत ही शानदार। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्राइवन ए सी और क्राई टू ए बी किस में, कॉटन बॉलवर्म में, और क्राइवन ए बी किस में, कॉर्न बोरर में, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट तुमको याद रखना, ये भूलना नहीं, मतलब ये सब वो चीजें हैं ना जिसको तुम्हें पढ़कर ही जाना है, ये सब तुम छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में, मतलब ये तुम छोड़ नहीं सकते, ये वाला पॉइंट छोड़ नहीं सकते, ये वाला पॉइंट छोड़ नहीं सकते, मतलब इस पेज से इस बार नीट में एक क्वेश्चन आना है तुम ऐसा मान लो। ठीक है, तुम पिछले 10 साल का देखो ना, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो इसी स्लाइड से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा खास है, नेमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट,
एक बहुत ही पैरासाइट, बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है। नाम क्या है? मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ये बड़ा ही खास टाइप का एक पैरासाइट है जो कि एक नेमाटोडा है, जो कि प्लांट में एक बीमारी करता है। इस बीमारी का नाम क्या है? रूट नॉट डिजीज। क्या नाम है? रूट नॉट डिजीज। ये चीज हमें याद रखनी है यहां पे, ठीक है? अब आगे सुनो जरा, रूट नॉट डिजीज। अब एक बात खास कि जो नेमाटोड होते हैं, एस्कलमेंथिस के मेंबर हैं ये प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं या एनिमल्स में, दोनों में। लेकिन मेलेडोगाइनो इनकॉग्निशन नाम का नेमाटोड जो होता है वो प्लांट में ही सिर्फ करेगा, और वो भी कौन से डिजीज? रूट नॉट डिजीज। तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कौन सी टेक्निक है जिससे कंट्रोल किया जाएगा आगे, बोलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। क्या नाम है? आरएनए आई। कभी तो इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, आरएनए आई का मतलब क्या होता है? तो आरएनए इंटरफेरेंस। कौन सा मेथड है? जीन साइलेंसिंग। जीन को ही साइलेंट कर देंगे, बस खामोश, आगे कोई काम नहीं करना है तुम्हें। खुद सोच कर देखो ना, अगर मैंने एक जीन को खामोश कर दिया, मतलब डीएनए को अगर मैंने खामोश कर दिया, डीएनए से बनता क्या है? एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती क्या है चीज आगे जाकर? प्रोटीन। अगर मैंने इसको ही साइलेंट कर दिया, ना ये बनेगा ना ये बनेगा, बेकार हो जाएगा उसमें, ठीक है? तो आगे जाकर कुछ हो नहीं पाएगा। इसी प्रोसेस, इसी टेक्निक का नाम क्या है? आरएनए आई। यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सुनो। प्लांट में रूट नॉट डिजीज कॉज करने वाला कौन सा नेमाटोड है? मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। कौन से टेक्निक पर आगे काम करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस। जीन को क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे, आगे कुछ भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा काम का चीज है भाई, ये बहुत ही काम का चीज है, सुनो ध्यान से। पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने जो इंसुलिन तैयार की थी, क्या तैयार की? इंसुलिन। उसका नाम क्या था? ह्यूमलिन, ठीक है? किसकी मदद से बनाया? इकोलाई की मदद से बनाया। वो कौन सी अमेरिकन कंपनी थी? एली लिली, याद रखना ये नाम। अब देखो जरा, यहां पर अगर मैं बात करूं, ए पेप्टाइड देख रहे हो, बी पेप्टाइड देख रहे हो और सी पेप्टाइड देख रहे हो, बताना जरा तीनों में कौन सा काम का पेप्टाइड नहीं है? ये प्रो इंसुलिन है, आगे जाकर मैच्योर इंसुलिन यहां पर बन जाएगा। यहां पर ए बी सी में कौन सी पेप्टाइड यहां पर काम की नहीं होती है? किसको यहां से हटा देंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेप्टाइड ए को, पेप्टाइड बी को, पेप्टाइड सी को। बहुत बढ़िया, सी का कोई काम नहीं है, इसलिए तुम देख रहे हो सी बिल्कुल सेपरेटेड है, ठीक है? ये बात याद रखनी है तुम्हें। आगे आ जाओ, जीन थेरेपी तो भाई क्वेश्चन आता ही है। मतलब तुम किसी टेस्ट पेपर को निकाल कर देख लो, तुम्हें एक दो टेस्ट के एवरेज में एक में मिलेगा ही मिलेगा। जीन थेरेपी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी? 1990 में। बच्ची कितने साल की थी? 4 साल की बच्ची थी। कमी किस चीज की थी? अदा की कमी थी। अदा का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज नाम का एक एंजाइम था, इस एंजाइम की कमी थी उसमें, ठीक है? एक बात यह ध्यान रखना है। और बाकी बोन मैरो लेवल तक अगर चेंज करेंगे तो तुम जानते हो वो चीज बिल्कुल लंबी चलेगी, परमानेंट क्योर टेक्निक है। अब जीन ट्रांसफर कहां पे करोगे? टी लिम्फोसाइट में। तो जो भी चीज बन रही होगी वो सही से बनने लगेगी। तो एग्जाम में डायरेक्ट तुमसे यही पूछा जाएगा कि 1990 में जो 4 साल की बच्ची थी जिसमें जीन थेरेपी पहली बार की गई, उसमें कौन सी एंजाइम की कमी थी? तो बोलेंगे एडीए का कमी था इसमें, ठीक है? क्या था? एडीए का कमी था उसमें, ये बात याद रखना है। अब आगे देखो, वेक्टर रेट्रोवायरस ही होता है, एनसीआईटी पढ़ोगे वहां पे साफ मिल जाएगा। वेक्टर कौन है? रेट्रोवायरस। इसमें डालेंगे एनिमल सेल्स के, तो वही होता है। अब पीसीआर एलिसा, ये तो तुमको पता है, फुल फॉर्म तो पहले याद रखना है। एलिसा किसके लिए? मेनली एड्स के लिए किया जाता है। एड्स का क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है? नहीं, कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये टेस्ट नहीं होता है कंफर्मेटरी। और बाकी पीसीआर है जिससे मल्टीपल कॉपीज तुम डीएनए की तैयार कर पाओगे। अब यहां पर एसएसडीएनए या एसएसआरएनए, रेडियो एक्टिव प्रोब, मतलब ये वो तरीके हैं जिनसे बीमारियों को तुम जांच सकते हो कि कौन कौन सी बीमारी हुई है। ये सारी की सारी बीमारियां बायोटेक की मदद से जांची जाती हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर काम कीजिए, यहां से कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है ना जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, जीएसी तो पूछ लिया गया है। 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हमने बायोटेक की मदद से मॉडिफाई किया है,
जिसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक होता है जीएम क्रॉप, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोला जाता है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या एप्लीकेशन आते हैं, तुम किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल पे अगर तुम स्टडी करोगे तो उसकी फिजियोलॉजी और उसकी बॉडी की डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हो, काफी रिसर्चेज होती हैं। बीमारियों की अगर स्टडी की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है आप इम्फिसेमा पे काम चल सकता है, तो बहुत सारे चूहे पे हम काम कर सकते हैं या बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं जिन पे काम किया जा सकता है, तो बीमारियों की स्टडी यहां पर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं जहां से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। नाम डायरेक्ट याद रखना, ट्रांसजेनिक शीप से क्या निकली, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। पहली ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था, रोजी। क्या निकाला गया, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये नाम याद रखना है तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सब। वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी पहले जांच करना पड़ेगा ट्रांसजेनिक एनिमल पे। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करनी है, कर लो ट्रांसजेनिक एनिमल पे। मतलब ये वो एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक एनिमल के। सब में एनसीईआरटी ने 3-4 लाइनें लिख रखी हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं मेनली वो इस पे आते हैं। अब जीएसी का ना फुल फॉर्म एनसीईआरटी ने दे रखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लेकिन अब इस अप्रूवल का नाम चेंज कर अप्रेजल कर दिया गया है। इसलिए नीट में जब ऑप्शन आया था तो ऑप्शन में अप्रूवल कमेटी नाम ही नहीं था, नीट में था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीएसी का फुल फॉर्म याद रखना है। ये एक टाइप का कमेटी है जो डिसाइड करता है कि कौन से जीएम क्रॉप्स, कौन से जीएमओ आने चाहिए इस दुनिया में, तो जीएसी का ये सब काम होता है। बोलो क्लियर है ये बातें। अब आओ जरा एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, पहले इसी चैप्टर में आ जाओ। मेनली चैप्टर की जो काम की बात थी वो सारी की सारी हो चुकी है, जो जिस्ट है इस चैप्टर का वो तुम्हें मिल चुका है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 12 पे जल्दी से आ जाओ, चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ जल्दी से। आगे हाँ भाई, पेज नंबर 208 पे आओ, पेज नंबर 208 पे आओ। आगे हाँ भाई, इसमें 5 पॉइंट तुम्हें मिले, 1, 2, 3, 4, 5 पेज नंबर 208 में, पेज नंबर 208 में। आगे 208 पे 5 पॉइंट है, इसको बड़े अच्छे से फोकस करना, ठीक है, ये पांचों पॉइंट को। फिर नीचे बीटी कॉटन का पैराग्राफ दे रखा है, वो पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे कौन किसको इन्फेक्ट करने का काम करता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आगे सुनो जरा, पेज नंबर 209 पे आओ, 209 सेकंड पैराग्राफ में क्राइवन एसी है, क्राइटू ए बी है, बॉलवर्म और कॉर्न बोरर बहुत इंपॉर्टेंट है। 209 में आरएनए इंटरफेरेंस हाईलाइट करो, आरएनए इंटरफेरेंस जहां पे ब्रैकेट लिख रखा है डार्क से हाईलाइटेड, उसी के नीचे एक लाइन मिलेगी, आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गन्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये याद रखना है। अरे बायोपायरेसी में कुछ है नहीं, उसमें बासमती चावल की बात की गई और टर्मेरिक वगैरह पे क्वेश्चंस आते नहीं है वो सबसे, ठीक है, वो सब अच्छा लगता है बस पढ़ने में हमें कि हाँ बायोपायरेसी है, इसका है, टर्मेरिक का है, नीम का है, बासमती राइस का है, 200,000 से ज्यादा बासमती के राइस, जो 200,000 से ज्यादा राइस के स्ट्रेन हमारे इंडिया में अवेलेबल है, बस अच्छा लगता है सुनने में ये सब चीजें। 209 ट्रांसपोजोन मिला क्या, ट्रांसपोजोन मिला क्या, एक काम करता हूं मैं एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ तो मैं निकालता हूं और उसमें हाईलाइट करता चलता हूं जिसको तुम्हें अच्छे से काम एक बार एनसीईआरटी से करनी है, बस एक सेकंड का वेट करना। तेरी अदा तेरी बेखुदे कह रही है कि और पे, बस थोड़ा सा वेट करना, चैप्टर नंबर 12। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आ गए यहां पे
बस मैं चीजों को जो हाईलाइट करवा रहा हूं, अपने एनसीईआरटी पे बिल्कुल खोल कर बैठो एनसीईआरटी, और जो हाईलाइट करवा रहा हूं उसको ध्यान से देखना जरा। हाँ, ये तुम्हारा पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में बात की गई बायोरेमिडिएशन की, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है ना, अगर हम उनको बायोटेक की मदद से ट्रीट कर देते हैं तो हम उनको बायोरेमिडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक कोई पहला पेज से क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। अब यहां पर फूड प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो कैसे कैसे होगा, तो पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हमें हमें काम किस पे करना है, तीसरे पे। ग्रीन रेवोल्यूशन तुम जानते ही हो। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है यहां से, जीएमओ हम किसको बोलते हैं। अगर हम किसी प्लांट बैक्टीरिया फंजाई या एनिमल के जीन में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, अगर हम मैनिपुलेट करते हैं, तो हम ऐसे को क्या बोला करते हैं, बोलो जरा। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट, बीटी का तो ये नाम ध्यान रखो कि बीटी का नाम क्या होता है, तो बैसिलस थुरिंजियेंसिस बोलते हैं, और बीटी के बड़े सारे वैरायटी देखने को मिलते हैं यहां पर। मतलब बीटी की बस एक वैरायटी कॉटन नहीं है, बस इतना तुम याद रखो। बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूं, मैंने लेपिडोपटेरंस, कॉलियोप्टेरंस और डिप्टेरंस के भी एग्जाम्पल तुम्हें बताए थे। क्रिस्टल प्रोटीन, तभी नाम रखा गया क्राई प्रोटीन। ये एक टाइप का इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो कि टॉक्सिक होता है। पहले तो इनएक्टिव होता है, लेकिन मिडगट में जब जाता है ना वो, तो वहां पे पीएच अल्कलाइन होती है, वहां पे एक्टिव हो जाता है, वहां पे एपिथेलियल सेल्स में काफी ज्यादा छेद करना स्टार्ट कर देता है। तो बीटी कॉटन से ये क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो बिल्कुल हाईलाइट कर लो, जो भी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, क्राई वन ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो है बॉलवर्म ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन देखो ये फुल्ली मैच्योर यहां पे कॉटन बॉल है, मतलब कहीं ना कहीं बायोटेक की मदद से इसको हम बचा पाए। आरएनए इंटरफेरेंस की यही लाइन अभी बोल रहा था तुम्हें, ये लाइन याद ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोजोन का मतलब पूछेगा, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन। नेमाटोड का नाम याद रखना है, जिसने रूट ऑफ टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिजीज काम किया है। आरएनए इंटरफेरेंस के कारण हम इसे बचा पाएंगे। ठीक है, आरएनएआई साइलेंसिंग कर देते हैं, जिसके कारण जीन साइलेंसिंग बोला जाता है। एग्रोबैक्टेरियम टोमेफेशियंस तो बताया ही है अभी जस्ट तुम्हें। ठीक है, ये डायग्राम से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसको बचा लिया हमने, ये बच नहीं पाया। अब कुछ डेटा वाले क्वेश्चन। 30 दवाइयां ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, और 30 में 12 दवाइयां इंडिया में बेची जाती हैं जो बायोटेक की मदद से हमने बनाई हैं। कर लिए? ठीक है, आगे सुनो जरा, ये हो गया हमारा। अब यहां पर अगर बात करें इंसुलिन के बारे में, तो तुम्हें तो पता है कि इंसुलिन जो पहले बनाया जाता था उसके चलते एलर्जी हो जाया करती थी। एलर्जी जो होती थी वो किसके चलते, स्लाउटर्ड कैटल और पिग, क्योंकि स्पेसीज ही अलग है, तो उनके पैनक्रियाज से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट की जाती थी, लेकिन अब इनका जरूरत है नहीं, अब इनका इकोलाई से ही काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि चलो ठीक है, दो चेन है, दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस। एक दो बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया है, कौन सा बॉन्ड है, तो डाइसल्फाइड ब्रिज है। यहां पर किसका काम नहीं है, सी पेप्टाइड का कोई काम नहीं है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, बाहर की तरफ साइड कर देंगे। ठीक है, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, उसको हटा दिया जाता है मैच्योर होने के बाद। ठीक है, हाँ भाई, तो ये कहां किया जा रहा है, इकोलाई में, और 1983 में एली लिली, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने ये ह्यूमन इंसुलिन पहली बार बनाया था। डाइसल्फाइड बॉन्ड तो याद रहेगा ही तुम्हें, इसमें फ्री सी पेप्टाइड का कोई काम नहीं है, मतलब मैच्योर होने पर बस इसी का काम है। लिख लो यहां पर, एक्स्ट्रा स्ट्रेच है ये, एक्स्ट्रा स्ट्रेच। प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में बदला गया है, फ्री सी पेप्टाइड का कोई इसमें रोल यहां पे है नहीं। नेक्स्ट, जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी की अगर बात करें तो जीन थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 साल की बच्ची का एग्जाम्पल। ये वाली लाइन तो बिल्कुल फेमस है, कौन सी एंजाइम की कमी है, तो एडीए की कमी यहां पर होती है। ठीक है, अब क्या क्या काम इसमें करते हैं वो सुनो। ये डिसऑर्डर किस चीज की कमी की वजह से होता है, एडेनोसिन डीएमिनेज नाम का एक जीन होता है, जो एक जीन होता है जो बनाता है एडेनोसिन डीएमिनेज को, वो जीन को ही यहां पर डिलीट कर दिया जाता है म्यूटेशन के थ्रू, तो बन नहीं पाता ये चीज। अब सुनो, कुछ बच्चों में एडीए की डेफिशिएंसी होती है अगर, तो बोन मैरो को ही चेंज कर देते हैं।
और कई बार एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी होती है, लेकिन ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। अगर हम चाहते हैं परमानेंट क्योर करना तो हम लिम्फोसाइट को ही वहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब लिम्फोसाइट को ही। ये एक परमानेंट तरीका है, ठीक है? तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना है। अगर तुम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सारा काम कर दोगे ना, तो ये एक परमानेंट क्योर है, आगे जो भी प्रोड्यूस होगा वो अच्छा प्रोड्यूस होगा। एलिसा का फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट। अब यहां पर पीसीआर तभी की जाती है जब किसी चीज के अमाउंट बहुत कम है, वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, तो आराम से तुम एम्पलीफाई कर सकते हो उनके डीएनए को या उनके आरएनए को, आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो सस्पेक्टेड होते हैं ना, उनका इलाज आराम से इसमें होता है। और पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। थोड़ी लाइन अजीब लगती है कि एड्स में तो एलिसा की बात होनी चाहिए, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब यहां पर एक बात की गई है, ऑटो रेडियोग्राफी तुमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सुना होगा, है ना? ये वाली लाइन नीट में आई हुई है, ध्यान रखना इस लाइन का। एलिसा की बात करें तो एंटीजेन के बेसिस पे पहचानी जाती है या एंटीबॉडीज के बेसिस पे पहचानी जाती है, ध्यान रखना। जब एलिसा टेस्ट होगा तो हमारे ब्लड में एचआईवी का वायरस नहीं मिलेगा। एंटीबॉडी या एंटीजेन चेक की जाती है, ज्यादातर एंटीबॉडीज ही चेक की जाती हैं कि हमारा बॉडी क्या एंटीबॉडीज बना रहा है। तो एलिसा से एचआईवी चेक नहीं होती, मतलब एचआईवी वायरस चेक नहीं होता, एंटीबॉडी चेक की जाती है एचआईवी के खिलाफ बना हुआ। ट्रांसजेनिक एनिमल में 95% क्या है, चूहे हैं। अब इंसान के कई सारे फायदे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट चेक की जा सकती है, बहुत सारे फैक्टर को स्टडी कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, याद रखना इसका नाम। बीमारियों को स्टडी कर सकते हो, जैसे बड़े सारे बीमारियां हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, ये सब कुछ ह्यूमन में बीमारियां हैं जिस पे काम चल रहा है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में अल्फा वन एंटीट्रैप्सिन का इस्तेमाल इम्फिसेमा बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। पहली जो गाय थी रोजी, इससे ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन तैयार किया गया, जो कि गाय दिया करती थी जी 1 लीटर में 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, बहुत प्रोटीन होता था इसमें, ये ध्यान रखना है। आगे फिनाइलकेटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी पूरा इलाज करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं मार्केट में। वैक्सीन की सेफ्टी की बात करें तो वैक्सीन का इलाज इंसानों से पहले अगर टेस्ट अगर देखें तो चूहों पे किया जाता है, पोलियो वैक्सीन वगैरह का टेस्ट, तब जाकर रिलायबल माना जाता है, ठीक है? मतलब मंकी पर भी इस्तेमाल नहीं होती, चूहों से काम चल जाता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे अगर, तो इसमें टॉक्सिसिटी चेक करते हैं कि कोई केमिकल कितना ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, पहले चूहों पे इस्तेमाल किया जाए। एथिकल इश्यूज की बात अगर हम करें तो एथिकल इश्यूज में सबसे काम की चीज है ये, अप्रूवल के जगह पे कर लेना अप्रेजल, इसका नाम चेंज हो चुका है, मतलब यही डिसाइड करता है कि कौन जीएम क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, अब चलो जरा आगे। 2,002,00,000 वेराइटीज किसकी हैं, राइस की। इंडिया में अगर बात करें तो कितनी है डॉक्यूमेंटेड वेराइटी बासमती की, 27। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया था बासमती राइस का, हल्का सा चेंज करके नई वेराइटी उसने बना लिया था। अब ऐसा ही जो काम है वो टर्मेरिक के साथ हो रहा है और साथ में नीम के साथ भी देखने को मिला है पास्ट में, क्योंकि टर्मेरिक, नीम, बासमती सब सब हमारे देश की है, लेकिन काफी जो डेवलप्ड नेशन है वो पेटेंट करवा लेते हैं और हमारे जो रिसोर्सेस है उनका वह इस्तेमाल करते हैं। बायोपायरेसी है, मतलब अगर हम किसी कंट्री से जो कोई चीज ले रहे हैं और हम उनका प्रॉपर ऑथराइजेशन भी नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ मुआवजा भी नहीं दे रहे और उनके रिसोर्सेस को अपने यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बायोपायरेसी कहलाती है। ये वाला एक बिल वाला याद रखना, ये वैसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन चांसेस हैं, टेस्ट वगैरह में देखने को मिलता है तुम्हें। इंडियन पार्लियामेंट ने हाल ही में सेकेंड अमेंडमेंट क्लियर किया है इंडियन पेटेंट बिल में, ठीक है? तो याद रखना सेकेंड अमेंडमेंट बिल, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड अमेंडमेंट बिल यहां पर है। बाकी समरी में इसका कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है? तो बस एक बार रीडिंग लगा लेनी है तुम्हें, और जो बताया तुम्हें उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर में वही सब बातें तुमको जनरली याद रखनी है। यार क्या कह रहे हो, ऐसे में नाम है संगमराज, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, बायो एथिक्स जो है ना वो इसी से रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है ना उनका भी कुछ सोचना चाहिए, ऐसी अननेसेसरी उनपे हमें काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ह्यूमन बेनिफिट अपना सोच रहा है और हो जाएगा उसका ओवरऑल क्या नुकसान हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या काम करना है सुनो, तुम्हें आज रात में सोने से पहले बायोटेक का ये वाला चैप्टर, एप्लीकेशन वाला, और बायोटेक का एप्लीकेशन के साथ जो प्रिंसिपल वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, बायोटेक के दोनों। और पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूं, और टेलीग्राम पे उस पीडीएफ के साथ अपनी एनसीईआरटी को तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें कंप्लीट कर लेनी है, बस इतना काम कर लो, ठीक है। हाँ भाई, मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास कल रात को होने वाली है 9 बजे, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। कल रात को शायद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो, वो एनसीईआरटी से ही होगी, ठीक है। बायोटेक का जो जिस्ट है ना, वो तो मैंने तुमको दे दिया है, बायोटेक का जो जिस्ट है वो तुम्हें मिल चुका है, जो मेन बातें है ना, जो पूरा सारांश है, जो सार है पूरा का पूरा बायोटेक का, बस इन पे फोकस रखना है। नहीं तो बायोटेक के लिए ना टोटल 10 लेक्चर चाहिए होती है, 90 मिनट की, 90 90 मिनट के 10 लेक्चर, ठीक है। तब जाकर बायोटेक पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्लियर होता है। लेकिन एग्जाम के आखिरी के 15 दिन बचे हैं, इतने अगर तुम काम अच्छे से कर लिए ना, बायोटेक के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं वो कभी नहीं छूटेंगे, ठीक है। हाँ भाई, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में रात को 9 बजे। बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी। बाय, थैंक यू।